हेलो दोस्तों, डीएस बेंजो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि सर आप रिकॉर्डिंग कैसे करते हो। तो दोस्तों, ये एकदम सिंपल प्रोसेस है क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम बोले तो पीसी नहीं है, ना मेरे पास साउंड कार्ड नहीं है, है ना। तो दोस्तों, एक यू करके एक आता है, उसको मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छा कारगर तरीका है रिकॉर्डिंग करने का। अभी मेरा आवाज़ अच्छा आ रहा होगा, है ना। अगर ये मैं यू निकाल दूंगा तो आपको दिखाए, मतलब मेरा आवाज़ कम आएगा, है ना। देखना दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर्सनल उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई का। एक हमारा पुराना बहुत अच्छा सब्सक्राइबर जो हमको शुरू से आखिरी तक सपोर्ट किया है, उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि एक भाई के लिए और बनाया था मैं, कौन सा स्ट्रेंजर बॉक्स इस्तेमाल करते उसके लिए, तो आप देखे होंगे हमारे चैनल में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, अब मेरा आवाज़ आपको कम आ रहा होगा। क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि मैं इसको निकाल दिया हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास साउंड कार्ड नहीं है, आपके पास पीसी नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये है ना। यू करके इसका नाम है, आपको अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में या किसी भी मोबाइल शॉप में आपको मिल जाएगा ये। लेकिन हाँ, मैं आपको ये इतना बता देता हूँ दोस्तों कि हर मोबाइल में ये सपोर्ट नहीं करता, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू ले लिया, है ना। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा एक मोबाइल टू जेक, आप समझ सकते हो, ये वाला है ना। एक बार ये वाला रहेगा जेक, दूसरा आपके पास ये वाला रहना चाहिए, ठीक है, जो मोबाइल में घुसेगा ये वाला, ठीक। उसके बाद आपको आपका स्ट्रेंजर बॉक्स में आउटपुट दिया होगा। दोस्तों, आपके स्ट्रेंजर बॉक्स में आउटपुट दिया होगा, उसमें आप आउटपुट लेकर आपका मोबाइल में डालकर यू करके, यू वाला जो है, ये वाला ऑप्शन जो है आपको मोबाइल में घुसेगा, और ये वाला चीज जो है यहाँ घुसेगा ये, ठीक है दोस्तों। फिर कंप्लीट हो गया, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे इसमें क्वालिटी आता है, आप सुनने छूंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, भाई का कमेंट का जवाब हो गया। मैं सभी भाई का कमेंट का जवाब देना चाह रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे पास समय नहीं पा रहा है क्योंकि मेरा भी प्रोग्राम चल रहा है कंटिन्यू, क्योंकि प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्निंग आना जरूरी है ना दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।